गाइस मैं एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, वो है नारियल की पीठा। बंगाली में कुली पीठा कहते हैं। ये पीठा बनाने के लिए चावल की आटा चाहिए, नारियल चाहिए, गुड़ चाहिए, इलायची चाहिए बस। तो चावल की आटा को गर्म पानी में अच्छी तरह से गूंद लेना है और नारियल को कद्दूकस कर लेना है और उसके साथ इलायची और गुड़ मिला के थोड़ा फ्राई करके रखना है और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है जो चावल की आटा है। और चावल की आटा के अंदर सारे नारियल की बूरा भरना है और उसको सील कर देना है इस तरह से। और थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा इस तरह से डिजाइन बनाना है। हो चुका है, बस हम सारे तैयार कर लिया है। अब इसको स्टीम देना है, 15 मिनट के लिए स्टीम देना है। तो जो मोमोस बनाने वाला जो है उसमें स्टीम देना है, तो इसीलिए उसके अंदर हम सजा के रखना है इस तरह से। बस 15 मिनट के बाद हम खोलेंगे। अब हो चुका है 15 मिनट और ये पूरा पक गया है, पूरी तरफ से हो चुका है। अब इसको उतार लेना है। अब सारे बन गया है हमारा कुली पीठा। तो इसके साथ खंजूर का गुड़ बहुत अच्छा लगता है, खंजूर का गुड़ के साथ ये खाया जाता है। ये है खजूर का गुड़, ये विलेज में मिलता है, इस टाइम मिलता है ठंडी के टाइम। तो इसके साथ ये कुली पीठा बहुत मज़ेदार खाने में लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।